तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9 बजने वाले हैं और आज है 1 मई और संडे। तो कल है सऊदी अरब में ईद और अभी जो हमारा प्लान है मेरे कुछ दोस्तों के साथ, मैंने पाइसिस वाले व्लॉग में दिखाया होगा कि जो वो हम सेम कंपाउंड में रहते हैं, तो हम लोग अभी प्लान फाइनल नहीं हुआ कि करना क्या है, लेकिन कुछ करेंगे वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी मुझे पता नहीं करना क्या है, तो मैं जा रहा हूँ जो सबसे पहले मैंने दिखाया था मेरी वीडियो में, उस वीडियो में उसके घर में जा रहा हूँ और फिर उसके साथ चलेंगे दूसरे वाले के घर। और फिर जो चौथा बंदा है ना, वो है थोड़ा बिज़ी पढ़ाई में, तो वो आएगा 10:15 तक, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम आ गए उसकी लिफ्ट में। ओके अभी ये बंदा पता नहीं 2 घंटे में खुलेगा दरवाज़ा, इसने अभी खोल लिया। और ये हम उस बंदे के साथ प्रैंक कर रहे हैं। सुनिए आंटी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसने कटिंग कर दी। तो हुआ क्या था, उसने अपनी अम्मी के नंबर से कॉल की थी और अब लाइक वो बोल रहा था कि हेलो हेलो हेलो। पहले हमने सोचा कि बोल देते हम कहाँ पे, लेकिन उसके बाद हम प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक हो गया आपके साथ। अच्छा तो हमें ये मिल गया 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद, ये ब्रोस्ट और ये बंदा चौथा, इसे आना था 10:15 लेकिन ये जल्दी आ गया है, अभी नहीं आया लेकिन 10 मिनट पहले आ गया था वो। और हमने ये ले लिया है, तो देखते हैं अभी कहीं बैठ के खाते हैं। तो हम आए हैं उसकी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे और इधर ये है, ये जो भी है इधर हम कारपेट बिछा के जो है फिर खाएँगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। 2 hours later तो अभी टाइम हो रहा है 11:45 और सब कुछ करने के बाद, खाने के बाद हम उधर ही बैठ गए थे और अब मैं जा रहा हूँ घर। और अभी मैं घर जाके सोऊंगा और फिर सुबह को उठूँगा मैं ईद के नमाज से पहले, फिर तब स्टार्ट करूँगा व्लॉग। लाफेस। 3 hours later तो अब टाइम हो रहा है 4:07 और अभी मैं उठा था आधा घंटे पहले और अभी हम खाएंगे ये चाय के साथ, सारे नहीं खाऊंगा 2-3 खाऊंगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके फिर जब, क्योंकि जो नमाज है वो 5:30 पे है और अभी 7:04 हो रहे हैं, तो फिर तब शुरू करूंगा वीडियो। तो 5 होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो ये कमरा आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे उठे थे वैसे ही है। तो अभी जाते हैं नहाते हैं, कपड़े पहन के और कमरा सेट करते हैं, फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो फिर से। तो अभी टाइम हो गया है 5:15 और ये जैसा कि आप देख सकते हैं 5:15 हो रहा है और जो है मैं भी तैयार हो गया हूँ और कमरा थोड़े हद तक सेट भी कर लिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर क्या माहौल है। तो बाहर ये सारा माहौल चल रहा है, ये देखें अभी आप देख सकते हैं अभी ये खाली है पूरा, लेकिन नमाज के वक्त ये यहाँ से पूरा वो बड़ी मस्जिद तक बाहर मैं आपको दिखाऊँगा फिल होगा पूरा। और अभी दूर दूर से तकबीरात की आवाज़ भी आ रही है और यह है सुबह का मौसम जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 5:20 हो गए हैं और हम अभी निकलने वाले हैं सैंडल पहन के और खाते हैं खजूर क्योंकि सुन्नत है। तो हमें ये दोनों भी नमूने मिल गए। तो हमारा अचानक से प्लान बन गया कि बाहर चलते नमाज के बाद, तो अभी हम वही जा रहे हैं डोनट और शॉपर हाथ में पकड़ के, तो वही चलते। और ये है जी हमारा बेसमेंट, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी फाड़ी सॉरी, और ये जो है पार्क, जैसे कि ये सब अभी जा रहे हैं बाहर और नमाज को थोड़ी देर तो हो गई है लेकिन ये सब पूरा पार्क अभी तक भरा हुआ। कैसे हैं भाई साहब? ठीक हूं भाई। ईद मुबारक तो बोला नहीं। ईद मुबारक। मैं पहली बार कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। कैमरा से ही तो वीडियो बनाते हैं। तो इन भाई साहब को हमने काम पे लगा दिया है, पर यही पार्ट आप देखेंगे वीडियो में। रियान आई कर दे। हाँ हाई, नॉट शट अप। हाई 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 हाउ आर यू फीलिंग? हाई हाई हाई। यू आर फीलिंग हाई? क्विक खा दिया है, फोकस ही नहीं हुई हमें। आहा
तो ये हमारे हैं वादी नंबर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और प्लीज़ कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर किड्स, ठीक है जी। तो ये अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये पूरा खाली एरिया, क्योंकि ईद का दिन है। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं और करेंगे। और अभी हम चढ़े हुए हैं इस जगह पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है और ऐसे जाके वहाँ पे एक डैम है, वो वहाँ से नीचे पानी आता है, वहाँ भी जाएंगे शायद। लेकिन अभी ये पूरा खाली लगा पड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम ही आए हैं और कुछ और लोग हैं जैसा ये देख सकते हैं। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे, ये रास्ता बना हुआ है वहाँ तक जाने का, तो मैं सोच रहा हूँ चलूँ, तो चलते हैं। और ये चढ़ गए, वैसे यहाँ बड़ा ही कचरा हुआ है सिर्फ, और ये नीचे भी जा रहा है तो संभल के चलना पड़ेगा। तो आस्ते आस्ते चलते हैं। Shining in the celestial black polo bondi, oh she come and feel me, come and heal me. Shining in the celestial black polo bondi, oh she come and feel me, come and. और ये हम पहुंचने वाले हैं यहाँ एंड तक, ये रहा। और यहाँ पे देख के चलते हैं क्या। तो यहाँ पे हमारे पास हैं दो ऑप्शंस, या तो हम यहाँ से जाएं या तो हम ऊपर से चढ़ के जाएं। तो हम चूज़ करेंगे दूसरा वाला, यहाँ से चढ़ के यहाँ चलते हैं। पहले इधर पाँव रखेंगे, एक मिनट, पहले इधर पाँव, फिर ये ऐसे ऐसे, और ये इधर। यार ये वैसे फ़ायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि हम वहाँ सीढ़ियों से भी आ सकते थे। ये क्या, हम वहाँ सीढ़ियों से भी आ सकते थे। और मेरे हाथ में कांटे लग गए, कैसे निकालूँ, एक मिनट, निकल गए। तो अब हम यहाँ चढ़े हुए हैं। यार ऐसे यहाँ रास्ते तो हैं, मैं यहाँ से क्यों आ रहा हूँ, ये मैं इतना, हाँ यहाँ से भी इतना अच्छा आ रहा है, सीढ़ियों से भी जा सकता था यार मैं। ये देखें व्यू, इधर है डैम। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से चलते हैं नीचे और वापस ऊपर। वो मेरे भाई साहब जिनको ये आ रहे हैं, मेरे भाई, क्या बात। तो इधर से पहले नीचे उतरते हैं। ये और ये यहाँ से भी उतर गए, और अब स्टेयर से ऊपर। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। और ये हैं भी बॉट शॉप, जो पहले मुझे लगे थे ना यही थे, लेकिन वो वहां पे। तो यहाँ पे फिशिंग और स्विमिंग रिस्ट्रिक्टेड है, तो मतलब आप यहाँ से जाके ऐसे भाग के यूँ पानी में डाइविंग लगा सकते हैं, और पकड़ के बदक को ईद उल अज़हा के लिए ज़बान नहीं कर सकते। फाइनली हम इनकी क्लोज ही आ गए, और ये भाग नहीं, क्योंकि ये सब ये जो ये वाली है ना, इसको फॉलो कर रही है, और अब ये भागेंगे के बस भाग गए, वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। ये पूरा ग्रुप है इनका, और वो एक लॉन्ली सी बतख चल रही है। तो अभी ये लोग यहाँ पे टिकटॉक्स बना रहे हैं, तो इससे हमें पता ही चलता है कि ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सऊदी अरब में भी है। ठीक है जी। तो नाश्ते में हमारे पास ये है, ये सैंडविच है, जिसको बारबेक्यू की तरह ग्रिल किया गया है, ग्रिल सैंडविच चिकन वाला आई थिंक सो, क्योंकि किचन के बारे में जानते कुछ नहीं पता। और ये सेवैयाँ हैं, और वहाँ पे पड़ी हुई है रसमलाई, जो मैं बाद में खाऊंगा, और मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा खाने की डब्बे, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी नहीं आया।
तो इंशाल्लाह डेवलप होता जाएगा, जैसे हम चैनल आगे बढ़ता जाएगा तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अभी जो है मैंने नाश्ता कर लिया, और जो है अब 3 वीडियोस आ सकती हैं ईद के 3 दिनों पे। एक ये वाली व्लॉग हो गया, और जो एक जो है बाहर जाके अभी फिल्म करूँगा उसके ज़्यादा चांसेस हैं, और एक है मीम्स वाली, उसको मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि लाइक 10% चांस है कि वो आ जाए, क्योंकि मेरे पास इतने आइडियाज़ नहीं हैं। और 3-3 दिन अपलोड करूँगा, तो मीम्स वाली दिन तो पुरानी हो जाएगी, तो क्योंकि फिर ईद भी पीछे चले जाएगी, और वो पुरानी वीडियो हो जाएगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ईद की खुशी ईद के दिन देखने को अलग होती है वीडियो की, मीम्स की। तो मोस्ट प्रोबेबली ईद वाली मीम्स वाली नहीं आएगी, और 2 आएंगी, या मीम्स वाली आ भी सकती है अगर मेरे पास ज़्यादा आइडियाज़ हो जाएँ तो, मैं आज 2 अपलोड कर सकता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 एग्जैक्टली, 5:30, और अभी हमारा प्लान बना के फिर से बाहर जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बज रहे थे 10:00 जब मैंने लास्ट बार वीडियो बंद की थी। तो उसके बाद थोड़ा मैं लैपटॉप देख के 12 बजे तक, फिर मैं यूट्यूब देख के फिर मैं सो गया था। तो फिर मैं उठा हूँ अभी 5 बजे, उससे थोड़ा पहले, और ये हमारे सुस्त भाई साहब यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनको अभी तक नींद आ रही है। तो देखते हैं कहाँ चलते हैं, अभी डिसाइड हमने किया नहीं, अभी देखेंगे कोई जगह। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और फिर देखते हैं कि करना क्या। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक जगह जिसका नाम है सलाम पार्क, और अभी यहाँ पे बहुत रश है, पार्किंग हमें बिल्कुल नहीं मिली, पीछे जाके मिली है, तो अभी मैं आपको वहाँ भी दिखाता हूँ कितनी रश है। तो इतनी रश है यहाँ पर, और ये कितनी लंबी लाइन, और ये अभी सिर्फ एक गेट है, आगे और भी बहुत सारे गेट हैं। इसके मिली है एंट्री, और ज़्यादा कोई वो नहीं था, लाइक ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लाइन तेज़ चल रही थी, और अभी अभी हम आए और सब चले गए वाशरूम, क्योंकि एंट्रेंस पे वाशरूम था, ये एंट्रेंस, और ये वाशरूम है मेल का, ये फीमेल का, तो सब इधर ही चले गए, मैं ही अकेला बैठा हूँ। तो अभी हम इधर आए हैं, तो देखते हैं करना क्या है। और यहाँ पे वैसे मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में मास्क ख़त्म हो गया, और ये पब्लिक प्लेस ही है लाइक आउटडोर्स, तो ज़रूरी नहीं है। ईद के दिन सबको मिला भी यही था, इधर ही मिला था आने के लिए। तो अभी हमारे जो रियान साहब हैं उनको बैठना था, और जो बलून नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, वो बॉल होता है, वो पानी के अंदर जाता है, अंदर नहीं, लाइक उसके ऊपर ही तैर रहा होता है, और उसमें बच्चे भाग रहे होते हैं, सब सिर्फ पानी में खेल रहे होते हैं मजाक कर। तो अबू लाइन में उसके लिए रियान के साथ, और हम इधर आ गए, इधर छोटा सा गार्डन टाइप कुछ है, यहाँ पे दरख्त भी हैं और घास भी है, तो हम वहाँ पे बैठ गए, और आगे देखते हैं क्या करना है। रियान, हेलो, जब भी इग्नोर मार दिया, फिल्टर नूर ब्लू आना है, इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, इसको चलाने में भी मेहनत करनी पड़ती है, क्या जन्नती 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 कन्फर्म। वहाँ पीछे कुछ था नहीं, और यहाँ फुल पार्टियाँ चल रही हैं, देखते हैं अभी यहाँ है क्या, हम तो अभी आए हैं क्योंकि वहाँ पीछे कुछ खास था नहीं, यहाँ देखते हैं क्या है। प्रैंक हो गया आपके साथ। तो वो वाला शो भी ख़त्म हो गया, और बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा, और अब हम देखते हैं आगे करना क्या, देख रहे हैं कोई नई जगह, गाने भी तक पीछे चल रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं VR सिटी, उसी पार्क में एक जगह है, और हमारे पास चॉइसेस है 3, एक ये है, और ये बस एक चीज़ है इधर, ये ऑप्शन नहीं है, इधर नहीं जाएंगे, और बाकी ये 2 हैं, एक ये वाला और एक वाला। तो हमने चूज़ किया ये फर्स्ट वाला, इधर बाइक भी है और गन वाली भी है, और हम जा रहे हैं। तो इधर ये भाई साहब ने ये वाला चूज़ किया था, और अभी ज़ॉम्बी लैंड वाला चल रहा है यहाँ पे,
बिहार में, और मैंने जाने एक और भी मामले आपको सुनाऊंगा। तो मेरे दोनों भाइयों का ये वाला हो गया, इधर मैं ऐसे बैठा हूँ, मुझे करना है ये, इसके सामने एक मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे करना है ये वाला, क्योंकि ये पूरा घूमता है, वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा तो ऐसा होता है। तो जब ये करेंगे तो फिर आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो वी आर सिटी से हो गए हैं फारिग, और अब हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने, और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से रेस्टोरेंट पे जाने हैं, तो देखते हैं कौन से पे चलना है। तो ये हम रेस्टोरेंट पहुंच गए, इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक है चिकन और एक है वेज, तो हम जाएंगे चिकन वाले में। हमारा खाने भी कह दिया है, तो हमने खाना भी खा लिया और ये हमने पार्सल भी करवा लिया, और अब हम यहाँ से लेंगे कुल्फी मीठे के लिए। तो अभी हम जाएंगे घर और सीधा जाएंगे सो जाएंगे, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हम सो जाएंगे। और उसके बाद कल का है हमारा प्लान बॉलीवुड जाने का, रियाज बॉलीवुड, वो भी दिखाऊंगा। और मैंने सोचा कि दोनों एक ही व्लॉग में दिखा दूँ, मुझे पता है लंबा हो गया, लेकिन मैं साथ में दोनों को एडिट करता हूँ, क्योंकि अलग अलग एडिट करने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं कल। तो अभी ईद का दूसरा दिन कब का शुरू हो चुका है, अभी बज रहे हैं 5:15, और सुबह मैं कल 12 बजे आके सो गया था, ऑलमोस्ट 12 के करीब में सो गया था। और उसके बाद जो है सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के तो 8:30 तक पढ़ाई शुरू की थी मैंने, और फिर मैं 2 बजे तक पढ़ता रहा था, बीच में थोड़े से ब्रेक्स भी थे, उसके बाद मैं सो गया था। उसके बाद मैं उठा हूँ अभी कुछ देर पहले। तो अभी हम जाने वाले हैं रियाज बॉलीवुड, और वहाँ पे देखते हैं करना क्या, क्योंकि हम पहले भी वहाँ पे गए हुए हैं, और हम इस बार ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी क्लिप्स हैं, और इससे मेरा व्लॉग लंबा भी नहीं होगा ज़्यादा। तो अभी मैं और ये भाई साहब जो हमारे आ गए हैं बेसमेंट में, और हम अब दूसरों का वेट कर रहे हैं अपनी कार के सामने। और खोले लॉक, पासवर्ड पता है आपको? वो भाई साहब ये चीज़ इसको पता है, मुझे नहीं पता। चलो गाड़ी चलाते हैं, बैठ के चलाते नहीं, ऑन करते हैं। बंद तो करो दरवाजा। नहीं बहुत दूर जाके कहीं पार्किंग है, और बहुत दूर बॉलीवुड भी, तो चलते हैं। और आज यहाँ पे है बहुत सारी रश, पिछली बार नहीं थी, पिछली बार हम आए थे तो सिर्फ एक फैमिली हमारे पीछे आ रही थी, और आज बहुत रश है, शायद क्योंकि ईद का दिन है। इधर भी आ गए हैं, और आप देख सकते हैं ये सब है, ये जो एरिया है ये टाइम्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है मेरे ख्याल से, जो न्यूयॉर्क में है, और वो उसके टाइप के जैसे बनाया हुआ है। तो ऊपर मोहम्मद अली भाई साहब और उनकी जो आइकॉनिक पिक्चर थी, और अभी हम इस एरिया पे हैं, यहाँ पे आगे देख के जाते हैं क्या क्या है। तो ये हमारे नाचने वाले पानी भाई साहब, ये अभी तो शाम हो रही है, रात को ही अच्छा लगता है, तो अभी भी दिखाऊंगा, रात को भी दिखाऊंगी, कंपेयर करेंगे। तो ये नंबर प्लेट, ये रियाज की कार की तरह उन्होंने नंबर प्लेट बनाई है, ये जो BLVD का मतलब रियाज बॉलीवुड सॉरी, और RUH का मतलब रियाज सिटी, सऊदी में नंबर प्लेट ऐसी होती है। तो ये एक रेस्टोरेंट जहाँ पे लाइक हम खाना खाते हैं, और वहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे जो बूथ हैं वो आके मजा आते, लाइक लोग होते हैं कॉस्ट्यूम में, जैसे आप इन भाई साहब को देख सकते हैं, ये सऊदी नेशनल ड्रेस में बूथ, ये और यहाँ पे हम खाना खाते खाते बीच में हमें डराते हैं, ये देखिए सब, ये भी लोगों को डरा रहे हैं अभी भी। तो ये दूसरी आंटी भी आ गई है, लोगों को डरा रही है, अचानक से भाग भाग के आके डरा रही है, और ये अंकल आंटी मिल के लोगों को डरा रहे हैं ईद के दिन कब। ये पता नहीं कौन सा जानवर मरा पड़ा है, और यहाँ पे लोग भी सारे मरे पड़े हैं, रेस्टोरेंट ऐसे बनाए यहाँ पे मरे हुए लोग, और मेन्यू में भी इनके डिशेस के नाम अजीब अजीब से हैं, जैसे चॉपटी है वो, चॉप फिंगर्स वगैरह। ये इन भाई साहब को सरकार के लोग कर रहे हैं बारबी की, खुद भी मरे पड़े हैं, इसको चेक करें बॉडी गार्ड, ये भी मरा हुआ बॉडी गार्ड जो मरते हुए भी सो रहा है। बज रहे हैं 7, और हम जो है इधर गए थे ये स्लाइड्स पे, और इधर फ़ोन लाना अलाउड नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और अभी बज रहे हैं 7:09, तो देखते हैं आगे क्या करना है। और ये देखिए भाई, ये रात के टाइम, आप खुद कंपेयर करना,
बैठा हूँ उस फाउंटेन के आगे। ये अभी शुरू नहीं हुआ, इसका पूरा शो भी होता है। जब हम पहले आए थे तो उस वक्त लकीली स्टार्ट हो गया था। ये शायद हर दो घंटे या हर घंटे में होता है। देखिए यहाँ पे दरख्त से भी पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। फाउंटेन के बाद फाउंटेन शो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो फाउंटेन ऊपर हुए थे पानी। उसके बाद जो है हम गए थे वहाँ पे, गाने चल रहे थे, बैंड प्ले कर रहे थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम में स्ट्राइक पड़ जाता है कानों पे, भले सऊदी हुए। और उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया, आधा घंटा घंटा वहाँ पे ज़ाया हो गया होगा। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, तो देखते हैं और क्या होता है। ये हमारी प्लेट और खाते हैं, तो हम आ गए हैं घर और अभी मैं जाके सोऊंगा और फिर उसके बाद सुबह को उठ के एडिट करके व्लॉग डालूंगा, क्योंकि तीसरे दिन पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए फिर व्लॉग आएगा तो सीखा।